hello everyone welcome back in chapter 1 constitution why and how here we will discuss our new topic that is procedure and inheritance of the national movement so without wasting our time let's start so our first topic is procedure procedure means process okay so here we discuss about the process of the constitution see the importance of public reason was emphasized in the Mundane procedures of the assembly as well. And the constituent assembly had eight major committees on different subjects. Okay, and usually Jawaharlal Nehru, Rajendra Prasad, Sardar Patel, B.R. Ambedkar chaired these committees. Okay, and these were not men who agreed with each other on many things. Ambedkar had been a bitter critic of the Congress and Gandhi, accusing them of not doing enough for the upliftment of scheduled caste. पटेल एंड नेहरू डिस एग्रीड ऑन मेनी इश्यूज सी द इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक रीजन वॉज इम्पजाइज्ड इन द मुटेन प्रोसीजर ऑफ द असेंबली एज वेल देखिए बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो जनरल और एवरीडे जो प्रोसेस था उसमें हंड्रेड परसेंट पब्लिक थाट्स पब्लिक डिटर्मिनेशन और पब्लिक इंटेंशन पब्लिक सेंटिमेंट्स पब्लिक ओपीनियन पब्लिक थिंकिंग्स इन सब का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस साफ तौर पे आपको दिखाई देता है ठीक है सो इन दिस लाइन मुंडेन मुंडेन मींस जनरल और एवरीडे प्रोसेस ओके देन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैड एट मेजर कमिटीज ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स नो डाउट डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर एट मेजर कमिटीज थी एंड देन डीज वर नॉट मैन हुग्रीड विथ ईच अदर ऑन मेनी थिंग्स Even Ambedkar had been a bitter critic of the Congress and Gandhi, accusing them of not doing enough for the upliftment of scheduled caste Okay, Patel and Nehru disagreed on many issues. <laughs> देखिए ये ऐसे लोग थे ये ऐसे लीडर थे जिनके थाट जो थे वो हर बात पर एक दूसरे के जैसे बिल्कुल नहीं थे मैच नहीं करते थे और जो बी आर अम्बेडकर साहब हैं वो तो बहुत ही बड़े क्रिटिक थे खासतौर पे कांग्रेस पार्टी के और गांधी जी के बिकॉज उनका ये मानना था कि कांग्रेस पार्टी और गांधी जी स्कीड्यूल uh, कास्ट की अपलिफ्टमेंट के लिए उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे सोसाइटी में उनको हर तरह का फैसिलिटीज़ मिले उनको हर तरह के राइट्स मिले इन सब चीज़ों के लिए उनके अपलिफमेंट के लिए ये लोग कांग्रेस पार्टी और गांधी जी कुछ नहीं कर रहे हैं ऐसा इन्होंने काफ़ी एक्यूजिंग uh, भी किया है एक्यूजिंग मतलब कि आरोप लगाना किसी भी तरह का और हमारे जो सरदार वल्लभ भाई जो पटेल हैं और जवाहरलाल नेहरू हैं ये दो लीडर्स तो बहुत बार एक दूसरे से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होते थे एग्री नहीं होते थे हमेशा डिसएग्री ही रहते थे लेकिन हमको ये मानना पड़ेगा कि फिर भी सबने एक साथ मिलकर काम किया और यू कैन से नेवर द लेस दे ऑल वर्क टुगेदर ओके एंड ईच कमेटी यूजुअली ड्राफ्टेड पर्टिकुलर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वर देन सब्जेक्टेड टू डिबेट बाय द एंटायर असेंबली और हर कमेटी ने आमतौर पर कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कुछ जो प्रोविजंस थे उसको एक तरह से उसका जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया जिन पर बाद में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर काफ़ी डिबेट भी हुआ काफ़ी डिस्कशन भी हुई यूजअली एन अटेम्प्ट वॉज मेड टू रीच अ कंसेंसिस विद द बिलीव दैट प्रोविजन्स एग्रीड टू बाय ऑल वुड नॉट बी डेट्रीमेंटल टू एनी पर्टिकुलर इंटरेस्ट ओके और आमतौर पर ये एफर्ट किया गया ये एफर्ट लगाया गया कि जो भी डिसीजंस हैं वो सबकी सहमति से हो सबकी सहमति से आए जो भी डिसीजंस आए उसमें सभी का एग्री होना ज़रूरी था और ये अच्छी बात थी कोई भी जो भी प्रोविजंस बनाए जा रहे हैं वो पर्टिकुलर किसी इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाए जाए वो सभी को ध्यान में रखते हुए बनाने चाहिए ठीक है पर्टिकुलर ग्रुप को या पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन को ध्यान में रखते हुए नहीं होने चाहिए सभी को साथ लेके चलना है और जो भी डिसीजन्स आ रहे हैं उस उसमें सभी का या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का एग्री होना ज़रूरी था सम प्रोविजन्स व सब्जेक्ट टू द वोट और कुछ प्रोविजंस हैं जिनको बनाने के लिए जिनको फाइनल करने के लिए वोटिंग सिस्टम को भी यूज़ किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा जिस प्रोविज़न को वोट मिलेंगे हम उसी प्रोविज़न को इम्पोर्टेंस देंगे और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको इन्वॉल्व करेंगे बट इन ईच इंस्टेंस एवरी सिंगल आर्ग्यूमेंट क्वेरी और कंसर्न वॉज रेस्पॉन्डेड टू विद ग्रेट केयर एंड इन राइटिंग वोटिंग जरूर करवाई गई लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आर्ग्यूमेंट्स नहीं हुए क्वेरीज नहीं हुई हर चीज़ प्रॉपर तरीके से की गई डिबेट्स भी हुए डिस्कशंस भी हुआ आर्ग्यूमेंट्स भी हुए क्वेश्चन भी पुट किए गए आपस में एक दूसरे के साथ मतलब आप येस yes बोल रहे हैं किसी प्रोविजन के लिए तो उसको आप प्रॉपर तरीके से एक तरह से रीज़न दें अगर रॉन्ग बोल रहे हैं नो कह रहे हैं तो भी आपको रीज़न देना पड़ेगा तो प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स भी हुए क्रेज भी हुई डिबेट डिस्कशंस हर तरह की चीज़ें हुई और बहुत ही ध्यान से इस इन सब चीज़ों को किया गया और जो भी आप रीज़न दे रहे हैं उसको रिटर्नली आपको देना पड़ता था देन द असेंबली मेट फॉर वन हंड्रेड एंड सिक्सटी सिक्स डेज स्प्रेड ओवर टू ईयर्स एंड एलेवन मंथ्स इट्स सेशन वर्ड ओपन टू द प्रेस एंड द पब्लिक लाइक और कुल मिला के टू ईयर्स और इलेवन मंथ्स का जो टाइम पीरियड था इस टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो मीटिंग्स थी करीब वन सिक्सटी सिक्स डेज तक वो चली थी और जो भी सेशन हुए थे वो सभी के लिए ओपन थे पब्लिक के लिए भी और जो प्रेस थी जो मीडिया थी उनके लिए भी बिल्कुल ओपन था चाहे न्यूज़पेपर हो सभी के लिए गई मैंने आपको बताया कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो एट मेजर कमिटीज उसके अंदर थी ठीक है अलग अलग सब्जेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर अब ये एट मेजर कमिटीज कौन कौन सी थी ये मैं आपको बता देता हूँ ये आपकी बुक में नहीं है बट फॉर योर फर्दर नॉलेज मैं आपको ये बता देता हूँ फर्स्ट जो हमारी कमेटी थी वो यूनियन पार कमेटी थी और इस कमेटी के हेड थे जवाहरलाल नेहरू सेकेंड जो हमारी कमेटी थी वो थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी इसके भी जो हेड थे इस कमेटी के जो हेड थे वो जवाहरलाल नेहरू ही थे थर्ड जो हमारी कमेटी थी वो थी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी इस कमेटी के जो हेड थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड फोर्थ आर कमेटी इज़ ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके हेड थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ओके एंड फिफ्थ कमेटी इज़ एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज और इस कमेटी के जो हेड थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो गुजरात के अंदर एक स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो इन्हीं का है और ये जो कमेटी थी ये भी सब कमेटीज़ में डिवाइडेड थी जैसे कि फंडामेंटल राइट्स जो एक सब कमेटी थी तो इसके जो हेड थे वो जे बी कृपलानी थे जे बी कृपलानी एक इनका फुल नेम है जीवारत्न भगवान दास कृपलानी इनको आचार्य कृपलानी के नाम से भी जाना जाता था और इसी के अंदर फिर एक और सब कमेटी थी माइनॉरिटीज़ के लिए ठीक है तो उसके जो हेड थे वो एच सी मुखर्जी मतलब हरिंद्र कोमर मुखर्जी बहुत ही बड़े लीडर थे कांग्रेस पार्टी के कोलकाता से बिलोंग करते थे ये और एक और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड आसाम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज एक सब कमेटी थी जिसके जो हेड थे वो गोपीनाथ बोर्डलोई थे देखिए गोपीनाथ बोर्डलोई आसाम के चीफ मिनिस्टर थे फर्स्ट सीएम ऑफ आसाम ठीक है और ये वो लीडर हैं जिनको भारत रत्न भी अवार्ड मिला हुआ है इंडियन गवर्नमेंट से और नेक्स्ट जो हमारी सब कमेटी थी वो थी एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज आसाम के कुछ एरियाज को छोड़कर अदर देन दो इन आसाम ओके सो तो इसके जो इस सब कमेटी के जो हेड थे वो थे ए वी ठाकर अमृतलाल वित्तल दास ओके ये एक इंडियन सोशल वर्कर थे और इन सब कमिटीज के जो हेड थे मेन जो हेड थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके अंडर में ये सभी लीडर्स अपनी अपनी सब कमिटीज के लिए वर्कआउट कर रहे थे देन हमारी सिक्स जो कमेटी थी वो थी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और इसके जो हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ठीक है जो हमारी सेवन कमेटी थी वो स्टेट कमेटी थी जिसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू एंड लास्ट एट कमेटी जो थी हमारी स्टीयरिंग कमेटी स्टीयरिंग कमेटी मतलब पायलट कमेटी तो इसके जो हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे कई ये सब मेजर कमिटीज की बात मैंने आपको बताई ऐसी माइनर कमिटीज भी थी ड्राफ्टिंग कमेटी भी थी ठीक है जब आप आई की प्रिपरेशन करेंगे आर ए की प्रिपरेशन करेंगे तो आप उसके अंदर आप ये पढ़ेंगे ठीक है आई होप यू अंडरस्टैंड सो नेक्स्ट टॉपिक इज इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट का मतलब है कि जो लीगेसी थी इन्हेरिटेंस रेफर्स टू लीगेसी विरासत ठीक है तो नेशनल मूवमेंट की क्या लीगेसी थी उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे ठीक है सी बट नो कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंपली अ प्रोडक्ट ऑफ द असेंबली डेट प्रोड्यूसिस इट एंड असेंबली एज डाइवर्स एज द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया कुड नॉट हैव फंक्शन इफ देर वॉज नो बैकग्राउंड कंसेंसिस ऑन द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड एंड

उसके साथ भी ऐसा ही था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केवल अपनी कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी उसके बेस पर ही नहीं बना था हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर इतना डाइवर्सिफिकेशन था चाहे वो लीडर्स का हो चाहे उनके थॉट्स का हो चाहे वो इनके इंटरेस्ट का हो चाहे उनके सेंटिमेंट्स का, का हो चाहे कुछ भी मान आप ठीक है सो इतना डाइवर्सिफिकेशन होने के कारण नॉर्मल तरीके से या नॉर्मली होकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्क नहीं कर सकता था अगर उन प्रिंसिपल्स पर आपस में सहमति ना होता एग्री सब ना होते जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में रखा जाना ज़रूरी था तो शायद हम यही कहेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर सकता था क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर इतना डाइवर्सिफिकेशन था कि आप सोच भी नहीं सकते और इन जो प्रिंसिपल्स जो और जो ये प्रिंसिपल्स थे इन प्रिंसिपल्स पर सहमति बनी लेकिन कब बनी जब काफ़ी लॉन्ग स्ट्रगल हुआ तब जाके और ये लॉन्ग स्ट्रगल हुआ था ऑब्वियसली फ्रीडम के लिए हुआ था एक तरह से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सिर्फ उन प्रिंसिपल्स को कॉन्क्रीट शेप कॉन्क्रीट शेप रेफर्स टू अ फिजिकल फॉर्म के अंदर शेप दे रही थी एंड फॉर्म टू द प्रिंसिपल्स इट हैड इनहेरिटेड फ्रॉम द नेशनलिस्ट मूवमेंट मतलब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो उन प्रिंसिपल्स को कॉन्क्रीट शेप दे रही थी जिसे हमने नेशनल मूवमेंट से Uh, विरासत में हासिल किया था विरासत में मतलब uh, लिगेसी में हमें वो चीज़ मिली थी नेशनल मूवमेंट से ठीक है देन फॉर डिकेड प्रोसीडिंग द प्रोमगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द नेशनलिस्ट मूवमेंट है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द शेप एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया शुड है वैल्यूज इट शुड अपहोल्ड द इनईक्वालिटीज इट शुड ओवरकम आंसर फॉक इन दो डिबेट्स वो गिवन देअर फाइनल फॉर्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आए उससे पहले डिकेट्स काफ़ी पहले डिकेट से ही जो नेशनल मोमेंट्स थे उनमें उन क्वेश्चन उन पर काफ़ी डिस्कशन हुआ था काफ़ी डिबेट हुआ था जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे जैसे इंडिया में शेप एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह के वैल्यूज को सपोर्ट करना चाहिए किन इनइालिटीज़ को दूर किया जाना चाहिए सो so, इन सब पर काफी डिबेट्स हुआ काफी डिस्कशन हुआ और जो भी कंक्लूजन निकला उन कंक्लूजन्स को ही कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरह से फाइनल फॉर्म के रूप में इन्वॉल्व किया गया देन पर बेस्ट समरी ऑफ द प्रिंसिपल्स डेट द नेशनलिस्ट मूवमेंट प्रॉट टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ओके and the objective resolution refers to the resolution that defined the aims of the assembly moved by nehru in 1946 dekhiye bataya gaya hai ki national movement se jin principles ko constituent assembly mein involve kiya gaya uska best jo principles hai वो हमें जो Nehru जी ने 1946 में एक objective resolution उन्होंने बताया था उसके अंदर वो साफ तौर पे मिल जाएगा आपको और objective resolution क्या है objective resolution आपको बताता है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का एम क्या था हमारा देन दिस एनकैप्सुलेटेड द द एंड वैल्यूज बिहाइंड कॉन्स्टिट्यूशन देखिए बताया गया है कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था इसके अंदर जो एस्पिरेशन थी जो वैल्यूज थी मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी भी एस्पिरेशन थी और वैल्यूज थी उन सबको इन्वॉल्व किया गया था देन वॉट द प्रीवियस सेक्शन टर्म्स एज सबस्टेंटिव प्रोविजन ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाई एंड समड अपल्यूज इनकॉर्पोरेटेड इन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इसी चैप्टर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था सब्सटेंटिव प्रोविजन जिसको बेसिक uh, प्रोविज़न भी बताया गया था सो so, एक्चुअली में जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था उसमें जो वैल्यूज थे उनसे वो इंस्पायर्ड है और उसका एक तरह से बेस्ट समरी भी है सो बेस्ड ऑन दिस रिजोल्यूशन आर कॉन्स्टिट्यूशन गेव इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशन टू दीज फंडामेंटल कमिटमेंट्स दैट इज इक्वालिटी लिबर्टी डेमोक्रेसी सॉवरनिटी एंड अ कास्मोपोलिटिन आइडेंटिटी ओके और बताया गया है कि ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है इसी के बेस पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी फ्रीडम डेमोक्रेसी सॉवरनिटी और कॉस्मोपोलिटिन आइडेंटी कॉस्मोपोलिटिन आइडेंटिटी का मतलब है कि पूरी दुनिया हमारा देश है हमें पूरी दुनिया से एक तरह से लगाव होना चाहिए सेल्फ बिलोंगिंगनेस होना चाहिए आस्टिजम और पर्टिकुलर कंट्री से कोई इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए हमें वर्ल्ड के अंदर जितने भी कास्ट हैं जितने भी कंट्रीज हैं सभी को इम्पॉटेंस देना है सो so, बताया गया है कि जो हमारे फंडामेंटल कमिटमेंट्स थे जैसे इक्वालिटी लिबर्टी डेमोक्रेसी सॉवरनिटी एंड अ कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी इन सब को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशन दिया और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस बेस पे कर पाया जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन था उसके बेस पे दैन दस आर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेयरली अ मेज़ ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स बट अ मॉरल कमिटमेंट टू इस्ट गवर्नमेंट डेट विल फुलफिल द मैनी प्रोमिसज डेट द नेशनलिस्ट मूवमेंट हेल्प बिफोर द पीपल देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन और अलग अलग प्रोसेस के बारे में नहीं बताता है बल्कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ऐसी गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करता है या कहता है हमें कि जो प्रामिस करें ठीक है और उन प्रामिस को पूरा भी किया जा सकता है अगर वो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन वे में अगर काम करती है तो और स्पेशली वो प्रोमिसज जो आ, लोगों को हमारे इंडियन पीपल्स को इंडियन सिटीजन्स को नेशनल मूवमेंट के दौरान किए गए थे तो वो सभी नेशनल मूवमेंट के दौरान जितने भी प्रोमिस किए गए थे उन सभी प्रोमिस को फुलफ़िल करने का काम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कर सकता है ठीक है इतना पोटेंशियल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हंड्रेड परसेंट है और इसको पोटेंशियल बनाया गया है और ये पूरा क्रेडिट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उनको जाता है आई होप यू अंडरस्टैंड लेटर वी विल डिस्कस अबाउट आर फर्दर टॉपिक्स सो थैंक यू गाइज